वेलकम टू अल्पाहार। मेरा नाम अल्पा शाह है। आज मैं नाश्ते की रेसिपी लाई हूँ। चकली बनाएंगे इंस्टेंट वाली, बहुत ही झटपट बन जाने वाली पोहा चकली बनाएंगे। पोहे में से चकली बनाएंगे, बहुत ही झटपट और टेस्टी बनने वाली। यहाँ पे मैंने मिक्सी जार ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 2 कप पोहे। ये जो हम बटाटा पोहे कांदे पोहे बनाते हैं वही पोहे हैं, मोटे वाले, उसे ले लेंगे 2 कटोरी 2 कप। आप कोई भी मेजरमेंट घर का ले लें, उससे ही बनाएं। यहाँ पे 1 कटोरी मैंने दालिया लिया है, जिसे रोस्टेड चना दाल भी कहते हैं, चटनी बनाने में यूज करते हैं, उसे भी डाल देंगे। और 1 कप डालेंगे चावल का आटा। बहुत ही बढ़िया टेक्सचर के साथ ये चकली बनने वाली है। अब हमें इसे फाइन पीस लेना है। देखिए, अच्छे से हमने पीस लिया है, एकदम फाइन पाउडर जैसा हमें बना लेना है। अब हमें इसे एक बार छान कर यूज करना है, ताकि कोई मोटे दाने अगर रह गए हैं तो निकल जाएंगे। ये देखिए, आटे को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब सारे मसाले कर लेंगे, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। एक टीस्पून डालेंगे अजवाइन, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1/4 चम्मच हींग, 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी, 1 टेबलस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून में चाट मसाला भी डालूंगी, इससे थोड़ा सा चटपटा टेस्ट आएगा, 1 टेबलस्पून सफेद तिल। सारे सूखे मसाले को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक सॉफ्ट सा आटा लगा लेना है। मैं थोड़ा थोड़ा सा ही पानी ऐड करती जाऊंगी और आटा गूंथ लेंगे। देखिए, अच्छा सा एक सॉफ्ट डो बन के तैयार है। और अच्छे से हमें मसल लेना है, हमें रेस्ट देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसके अब मैं 2 गोले जैसे बना लूंगी। यहाँ पे मैंने चकली बनाने का संचा ले लिया है और जिसे तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें 1 गोला डाल देंगे इस तरह से। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है, संचे को बंद कर देंगे। मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है मीडियम आंच पर। और अब हम चकली बना लेंगे। इसका एंड पार्ट को हमें थोड़ा सा यहाँ पे दबा देना है और स्टार्टिंग का पार्ट है उसे भी थोड़ा सा दबा लेना है, ताकि ये तेल में जाने के बाद छूटे नहीं। देखिए, इसी तरह से हम सारी चकलियाँ रेडी कर लेंगे। चकरी को रोल करते समय एक चीज का ध्यान रखना है, एक तो अंदर से जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो पॉइंट दबा देना है और लास्ट वाला पॉइंट दबा देना है, और बीच में ज्यादा जगह नहीं होनी चाहिए। सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हुए ही बनाने हैं हमें। तेल में डालते समय अगर उठाने में मुश्किल हो रही है तो मैं आपको एक ट्रिक दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से तवेता ले लेना है। अगर आपके पास सिलिकॉन वाला है तो उसे भी ले सकते हैं, और इसे भी। देखिए, बहुत ही आसानी से इसमें आ जाता है और डायरेक्ट आप तेल में इसे छोड़ सकते हैं। तेल को मीडियम आंच पर मैंने गर्म कर लिया है, एकदम धुआं निकलता तेल नहीं होना चाहिए, बस हल्की सी भाप आनी चाहिए, बस वैसा ही हमें चाहिए। अब हम चकरी को डाल देंगे। देखिए, आंच को मीडियम टू लो के बीच में मैंने रखा है। अब देखिए, हल्के से थोड़े से बबल्स कम हो जाए उसके बाद हम इसे पलटी करेंगे। देखिए, अच्छे से बबल्स कम हो चुके हैं। अब अलटते पलटते हुए उसे हम गुलाबी रंग की तल लेंगे चकरी को।
बहुत ही क्रिस्पी बनती है और टेस्टी और बहुत ही झटपट। हल्का हल्का सा गुलाबी रंग आ चुका है, मैं थोड़ी सी लाल और करूंगी। वैसे तो महाराष्ट्र में भाजनी की चकली फेमस है, लेकिन अगर भाजनी बनाने का समय नहीं है तो ये इंस्टेंट वाली चकली ट्राई कर सकते हैं। त्योहारों की मौसम आ रही है नजदीक ही, घर का बनाया हुआ नाश्ता फिर भी बहुत ही मीठा लगता है, प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, सबको पसंद आता है। अच्छा सा एक गुलाबी रंग आ चुका है, देखिए मैं आपको नजदीक से भी दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा इस तरह से निचोड़ते हुए तेल, एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा और हम पेपर नैपकिन के ऊपर इसे डाल देंगे। अगर आपके पास इस तरह से एक एक चकलियां बनाने का भी समय नहीं है तो मैं आपको बहुत ही एक इंस्टेंट सा उपाय बताती हूँ। जैसे हम अक्सर सेव और गाठिया बनाते हैं डायरेक्ट, जा मैंने ये संचा तेल के ऊपर रख दिया है और हम इसी तरह से निकालते जाएंगे। ये हमारी स्टिक बन जाएंगी, इसी तरह से अनइवन शेप में हमें डाल देना है। गैस की आंच को मैंने स्लो कर दिया है। देखिए इतना डालने के बाद यहाँ से कट कर लेंगे। अब मैंने आंच को मीडियम कर लिया है और देखिए थोड़ा सा बबल्स कम हो जाए उसके बाद पलटी करेंगे, पलट लेंगे। देखिए अच्छे से गुलाबी रंग आ चुका है, थोड़ा सा साइड इसी तरह से करके इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। अगर आपको डायरेक्ट तेल में डालने से डर लगता हो तो आप इस तरह से प्लेट में बड़ी सी चकरी बनाकर तेल में छोड़ सकते हैं, इससे भी हमारे टाइम की बचत हो जाएगी। तो लीजिए ये तो हमारा चकलियों का प्लेटर बनके तैयार हो गया। तीन तरह से मैंने आपको सिखाया है आज, इसीलिए आलस तो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी झटपट बन जाने वाली बहुत ही क्रिस्पी करारी चटपटी मज़ेदार ऐसी चकली बनके तैयार है। आप देखिए इसके कांटे भी कितने बहुत ही बढ़िया आए हैं। और यहाँ पे हमने जो तिल जीरा डाला है, अजवाइन डाला है, सारी चीज़ों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। सूखे मसाले का इस्तेमाल किया है और आपको मैं क्रिस्पी भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने स्टिक बनाई है, जो हमने अनइवन सा बनाया था उसके लिए मैं इस तरह से तोड़ के रख दूंगी। ये स्टिक की तरह यूज़ कर सकते हैं, चकली स्टिक जो बाज़ार में मिलती है आपने देखा होगा। ये हमारी जैम चकली बन गई है, इसे भी अगर आप नाश्ते में रखेंगे तो सब सोच में ही पड़ जाएंगे। और मैं इसका क्रिस्पी दिखाती हूँ, ये देखिए खाकर भी बताती हूँ। चकली को बिल्कुल ठंडा होने दीजिए, एकदम ठंडा होने के बाद ही आप एयरटाइट कंटेनर में डब्बे में भरकर रख सकते हैं। अगर थोड़े भी अगर गर्म होगी, अगर ये बीच वाला पार्ट अगर गर्म रह गया तो फिर से इसमें मॉइस्चर लग जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएंगी, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो बहुत ही आसान लेकिन फिर भी टेस्टी ऐसा हमारा चाय के साथ खाने वाला नाश्ता चकली बन के तैयार है। आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, लाइक का बटन दबाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए, इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता जाता है। शेयर भी कीजिए अपनों के साथ और कमेंट्स भी ज़रूर से दीजिए कि आपको ये रेसिपीज कैसी लगती है। सिर्फ एक वर्ड आपको टाइप करेंगे तो भी मेरे लिए बहुत है, तो उसमें बिल्कुल भी आलस मत कीजिए। थैंक यू।